क्विज अभ्यास क्लास 9 सब्जेक्ट है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। दिनांक है 5/3/2022। आज के क्विज के 12 क्वेश्चन दिए गए, तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया, मानसून पनप्रय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में चलती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है, तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मकर रेखा, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। बीच में होती है भूमध्य रेखा, ऊपर की साइड में मकर रेखा और नीचे की साइड में कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और ये 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, जेठ धारा जो एक शक्तिशाली वायु धारा है किस दिशा में चलती है, तो जेठ धारा पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब, पवन, तो यहाँ पर सारे कारण है ए बी और सी। भारत में शीत ऋतु क्या विशेषताएं हैं, कम ठंडे दिन और ठंडी रातें। अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसम परिवर्तन के मूल कारण क्या है, स्थल तथा जल पर विपरीत वायुदाब क्षेत्रों का विकास होना, स्थल जल पर असमान रूप से, तो यहाँ पर दोनों ही कारण है, मौसमी परिवर्तन के कारण दोनों ही है, स्थल और जल के विपरीत वायुदाब के क्षेत्रों का विकास होना और स्थल और जल का असमान रूप से गर्म होना, ए और बी दोनों। भारतीय संसद में कितने सदन है, तो भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला, राज्य विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो विधानसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को क्या कहते हैं, विधायक कहा जाता है। लोकसभा के लिए चुने गए व्यक्ति को सांसद कहते हैं, तो विधानसभा के क्या कहेंगे, विधायक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा के एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर कोई दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, तो 272 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में कितने सत्र होते हैं, तो यहाँ पर 3 सत्र होते हैं। तो आज की क्विज के टोटल 12 क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।